सिकंदर हालात के आगे नहीं झुका, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इस दुनिया में कई किस्म की जंगें होती हैं, कॉलोनियल वॉर, प्रॉक्सी वॉर, बॉर्डर वॉर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन कुछ जंगें ऐसी होती हैं जिसमें कोई हारता नहीं है बल्कि दोस्ती जीत जाती है। खैर अभी मोटिवेशनल बातों का टाइम नहीं है क्योंकि मेरी फ्लाइट है। और इस सफर पर मैं अकेला नहीं हूं, करतारपुर लाहौर से कोई 2.5-3 घंटे दूर है जो कि नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में बात है। बस में ऐसी शुगर लगी कि सफर का पता ही नहीं चला। तो जी मैं 0 पॉइंट पहुंच चुका हूँ। ये मेरे पीछे पाकिस्तान है और ये है पीछे इंडिया। सिख यात्री हैं, वो आ सकते हैं, गुरुद्वारे में विजिट कर सकते हैं और फिर एक ही दिन में उनको वापस रिटर्न करना होता है विदाउट एनी वीज़ा। सुबह के टाइम ये बॉर्डर ओपन होता है तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब, वहाँ से लोग ये एंट्री करते हैं। ये 400-500 मीटर के ऊपर हमारा जो है वो बॉर्डर टर्मिनल है जिधर वो अपनी इमिग्रेशन सारा प्रोसीजर पूरा करके एंड देन दे कैन गो एंड विजिट द गुरुद्वारा। दिस इज करतारपुर कॉरिडोर, a visa free corridor which is 4 km away from Pakistan India border. जनाब आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये ग्रैंड हॉल, ये है इमिग्रेशन सेंटर जहाँ पर सिख यात्री आ सकते हैं, अपनी इमिग्रेशन करवा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे 130 काउंटर है, उसके बाद फिर आप गुरुद्वारा विजिट कर सकते हैं। गुरु नानक जो कि सिख मजहब के पहले गुरु थे, उन्होंने कोई 500 साल पहले दरियाए रावी के करीब इसे बनाया जिसको आज डेरा बाबा नानक भी कहा जाता है। घूम चारे चक जहान दे जद कर आया करतार, करतारपुरे दी नगरी जिद गल रावी दा, जिद चम चम पानी लिश्क दे जिद चांदी बनी ता, लाह पाना जोग फकीर दा मड़ मलिया आस कदी मंजी बे अवतारियां करे दस। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो ये पाकिस्तान में रह गया और सिख बरादरी को काफी मुश्किलात होने लगी इसे विजिट करने में। बट नाउ कैसा लगा आपको करतारपुर आके? सर बहुत बढ़िया लगा जी। अच्छा कहाँ से आप? सर मैं लुधियाना पंजाब से। अच्छा दोबारा आएंगे आप यहाँ? सर डेफिनेटली, और काफी लोगों को साथ लेकर आऊंगा नेक्स्ट टाइम। ये बताएं पाकिस्तान कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, अपनापन लगा। अच्छा मोबाइल दिखाएं अपना सर। अरे OnePlus 6। या देख रहे हैं आप कितनी सिमिलैरिटीज हैं। बिल्कुल सही बात है सर। बाय बाय। मोबाइल नहीं मिलता है? बिल्कुल सर मिलता है डेफिनेटली। गंगा गंगा सिर में लगा, कड़ा कड़ा ये कृपान, ये छुरी कृपान। सुबह के भूखे और जब दाल चावल मिली तो बस रहा नहीं गया, और यकीन करें इससे बेहतरीन दाल चावल मैंने कभी नहीं खाए थे। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं कि दुश्मन रहता है, गौर से देखा जब उसको वो तो मेरे जैसा दिखता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मन को महसूस शांति मिली है। जहाँ हमारे बाबा गुरु नानक देव जी ने जगत गुरु जो हुआ है सबका, उन्होंने खेती की तो यहाँ से उन्होंने कहा कीर्त करो नाम शको वंट करो, तो उसके लिए माथा टेकने के लिए आ जाए पहली दफा। फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ में जो उनका जो प्यार मिल रहा है ना मुझे, हमें तो फील ही नहीं होता कि हम पंजाब से आए हैं, इंडिया से आए हुए हैं। इधर से आए इंडिया, हम लुधियाना से आए हुए हैं। और पाकिस्तान वालों ने जो हमारी यहाँ खातरदारी की है, सेवा की, मेहमान नवाजी, उसका तो हम जवाब नहीं दे सकते। कहीं भी हमारे पास शब्द नहीं है अभी क्या बोले। परिवार के समेत आएंगे, बच्चों के समेत आएंगे, हम इतना प्यार मिल रहा है, हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम यार पाकिस्तान में आए हुए हैं। मैं मुझे तो ऐसा लगता है मैं पंजाब में फिर रहा हूँ।
आई थिंक मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये वाकई अंदर से कितना खुश है और यही सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का। इस बात पर हमारी गवर्नमेंट को सलाम है कि उसने रिकॉर्ड अरसे में ये चीज़ बनाई और ना सिर्फ बनाई बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि चाहे आप सिख हों मुस्लिम हों क्रिश्चियन हों हिंदू हों किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो आपको पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी गवर्नमेंट नहीं कह रही, ये वो कह रहे हैं जिनको हम सब दिल से लगा के रखते हैं। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस मुमलकत पाकिस्तान में।